और इधर गाजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान ने बड़ा धमाका किया है। ईरान ने रेगिस्तानी स्पेस पोर्ट से ऐसा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। डर है कि ईरान का बड़ा हमला अंतरिक्ष से ना हो। देखिए रिपोर्ट। स्पेस में पहुंची खामनेई की सैटेलाइट मिसाइल, अंतरिक्ष से देखेगा जमीन पर दहलाएगा ईरान। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में 55 रॉकेट धमाका। नसरल्ला ने खोल दिए कत्यूशा रॉकेट के 600 गोदाम। इसराइल अब अनलिमिटेड अंधाधुंध हमले कर रहा है। गाजा में हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों को बारूदी धमाके से दहला रहा है। लेकिन नेतन्याहू आर्मी के लिए टेंशन देने वाला मैसेज तेहरान से आया है। इसराइल का कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन बहुत बड़े वॉर के लिए रेडी हो रहा है। स्पेस से इसराइल को दहलाने का रोड मैप खामनेई के टॉप कमांडर्स ने बनाया है। यह ऐसा वॉर प्लान है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है ना ही इसराइल के पास। खामनेई के इस टेरर की पूरी डिटेल तेल अवीव तक पहुंच चुकी है। खामनेई की इस ग्रीन फाइल के सीक्रेट्स क्या क्या हैं आपको दिखाएं उसे देखने के पहले वॉर जोन में मचे बारूदी घमासान की तस्वीरें भी देखते रहिए। यहां मिसाइलों की आंधी और रॉकेटों का तूफान आसमान में दिखाई दे रहा है। पहले इसराइल डिफेंस फोर्स की मार देखिए। यह हमला एक झटके में 55 रॉकेट धमाके का है। इसराइल ने हिजबुल्ला के वॉर हेडक्वार्टर को बारूद से पाट कर कई लड़ाकों को कब्र में पहुंचा दिया है। गाजा सिटी में हमास के ठिकाने पर हमले के कुछ ही देर बाद इसराइल के अश्कलोन में 2 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी से दागे गए दोनों रॉकेट में से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, वहीं दूसरा रॉकेट समंदर में जा गिरा। हिजबुल्ला और हमास दोनों से अकेले जंग लड़ रहे इसराइल का सबसे बड़ा खतरा अब स्पेस से आने वाला है, जहां ईरान ने पूरी ताकत लगा रखी है। ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड रिसर्च सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया है। आरजीसी का बनाया रॉकेट स्पेस में रिसर्च सैटेलाइट के नाम से भेजा गया है। ईरान के चामरान 1 सैटेलाइट की जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक चामरान 1 सैटेलाइट का वजन 60 किलोग्राम है। ये अंतरिक्ष में 550 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा है। चामरान 1 का मिशन स्पेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टेस्ट करना है। स्पेस में ईरान का पावरफुल होने का मतलब इसराइल की मुसीबत है। ईरान ने हाल के दिनों में लगातार 13 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने 15 दिनों के भीतर 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी। ईरान के सेमनान में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट से यह लॉन्चिंग की गई थी। जिन सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था उनके नाम महदा, केहान 2 और हथ 1 बताया गया था। जबकि इसराइल और पश्चिमी देशों ने ईरान के स्पेस प्रोग्राम को बैलिस्टिक मिसाइलों को अचूक और ज्यादा घातक बनाने वाला षड्यंत्र करार दिया। अमेरिका ने ईरान के सैटेलाइट लॉन्चिंग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया, मगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगा संयुक्त राष्ट्र का बैन अक्टूबर 2023 में खत्म हो गया था। बैन हटने के बाद से ईरान ने अंतरिक्ष में खुद को पावरफुल बनाने का तूफानी मिशन शुरू कर दिया। ईरान के स्पेस वॉर प्लान में चीन खुलकर साथ खड़ा है।
ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील बीते अगस्त महीने में की थी। तब वाशिंगटन पोस्ट ने पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया था कि ईरान ने दो चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ रूस से भी बड़ी साझेदारी की है। इस डील में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को चीनी कंपनियां तकनीकी सहयोग देंगी। IRGC और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कंपनी के साथ लेन देन होगा। बिग डील का मकसद इसराइल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रिजोल्यूशन निगरानी है। चीन के साथ ईरान की डील ने अमेरिका इसराइल के साथ यूरोप की धुकधुकी बढ़ा दी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान चीन की डील के खतरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईरान अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हुथी विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिले खुफिया जानकारी साझा करेगा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कारोबारी जहाजों के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है, इसके गवाह एक दो नहीं कई मुल्क हैं। अमेरिका की मार झेल चुके इराक को देख लीजिए, 20 साल तक सुपर पावर का ताप झेल चुके अफगानिस्तान को देख लीजिए। अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम ना हो जाए। बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन सिर उठाता है तब सुपर पावर एटम बम बरसाता है। फिलहाल यह खतरा ईरान पर है, क्योंकि ईरान इसराइल से इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है। चीन और रूस की शह पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के हालात में ईरान का साथ कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चीन ने ईरान को अपने सस्ते और काम चलाओ हथियारों की सप्लाई के सिवाय कभी साथ नहीं दिया है। वहीं अमेरिका इसराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रही मिसाइलें हों, हिजबुल्ला के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों, या फिर हूथी विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका ही। स्पेस में भी अमेरिका ही सुपर पावर है, जिसकी अपनी स्पेस आर्मी है। अमेरिकी सैटेलाइट भी दुनिया में बेजोड़ माने जाते हैं।